आर्मी चो हां जी आर्मी कौन सी निकले जब कुछ नहीं गलगन अगर ड्यूटी होने नहीं ये फ्रॉड हो गया ऑनलाइन ठगी हो गई है अननोन जगह से अननोन बंदे से कोई लिंक आता है तो उसको क्लिक ना करें। जहन दोस्तों ये वीडियो नहीं आपके लिए चेतावनी है, इस वीडियो को पूरा देखना है और शेयर करना है, आपको इसको स्कैप नहीं करना है क्योंकि फौजी के साथ इस तरह ठगी। हाँ जी दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो चले गए, आपने एफडी कराई 1 लाख की वो चली गई, फिर आपकी पेमेंट से लोन 6 लाख का सैंक्शन हो जाता है और वो भी निकल जाता है और फिर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती। हाँ एक फौजी जो गंगानगर में पोस्टेड था और उसके फोन पर लगातार पैसे के मैसेज आ जाते हैं और वो हिल जाता है, हिल के अपनी वाइफ को फोन करता है आखिर ये क्या हो रहा है। और उसकी वाइफ आप देख सकते हो, अब मेरे सामने आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसकी कहानी सुनाऊंगा और बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है, साइबर फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। यानी अब आपकी गाड़ी कमाई चाहे बैंक में एफडी के रूप में है सुरक्षित नहीं है, कहीं भी डाका दिया जा सकता है और खासकर फौजियों के लिए। और ये कौन सा नया तरीका है कि बिना ओटीपी के पैसा निकल गया? हाँ जी दोस्तों ये बैंक मैनेजर इस बात को कह रहा है कि हमें भी नहीं पता, हम आरबीआई को लिखेंगे, पूरा आपको वीडियो देखना होगा, स्कैप नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होते होते मैं बचाऊं इसलिए बोल रहा हूं। और क्या ये तो कोई बोलता है कि इतना रिचार्ज आ गया है, रिलायंस ने कर दिया है, अंबानी की शादी है, मोदी की गवर्नमेंट है, इस ऐप को खोलो, आपके लिए लोन सैंक्शन हो गया, आप इस ऐप को खोलो, बस इतना ही गड़बड़ी हुई है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की एक ऐप है जिससे तत्काल लोन सैंक्शन हो जाता है और 6 लाख लोन का मैसेज था, उन्होंने कहा यहां से मैसेज ये जनरेट होता है, बैंक ने माना, लेकिन इस मैसेज को हैकर ने, साइबर फ्रॉड वालों ने हैक किया और अकाउंट को हैक करके दोनों को मैच करके दोस्तों अकाउंट में जो पैसा है वो निकाला, 1 लाख की एफडी ऑनलाइन तोड़वाई वो निकाली और 5,80,000 का लोन निकालिया, यानी 8 लाख फ्रॉड हो गए। और ना ही उस फौजी को बेचारे को पता है, वो ड्यूटी पे खड़ा था, उसने देखा टंग 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 मैसेज आ रहे हैं, ओटीपी आ रहा है, क्या हो क्या रहा है, सब आ रहा है, लेकिन अब ओटीपी आपका मोबाइल नंबर भी हैक कर लिया, अकाउंट आपका हैक कर लिया दोस्तों, और ओटीपी आ रहा है, उसके पास जा रहा है, वो अपने आप कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गलती जब सामने आती तो सोचा गया है कोई ना कोई आपने ऐप को क्लिक किया है। ड्यूटी कर रहे हो गंगानगर आर्मी? हाँ जी। आर्मी कौन से निकले जिदा? इन्होंने 6 लाख की एक अफ्रीका मतलब नहीं 1 लाख की अफ्रीका कराई है, वो तड़वा ली है, तो 6 लाख लोन चुक लिया तनख्वाह तो। तनख्वाह से लोन चुकाया? हाँ जी। आज जी? हाँ जी। फिर टोटल मिला के कितने पैसे जड़े बनते हैं? 8 लाख। 8 लाख रुपए? हाँ जी। ये ऐप आपका घर उजाड़ देंगी, सावधान रहना। और बहुत से लोग शेयर करते, हमारे को भी शेयर करते, सारे दिन आता है इंस्टेंट लोन 7 लाख 5 लाख 8 लाख। और एक्चुअल जो लोन की ये प्रॉपर है वो यूनो वगैरह के साथ सही है, लेकिन बीच में जो हाइकर लगे हैं, बीच में जो फ्रॉड रहे हैं, वो इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई हमें कोई लोन नहीं चाहिए, और इस मोबाइल से पैसा ट्रांजेक्शन करना हो, यूपीआई के साथ किसी को देना हो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। मैं कह रहा हूं भाई, जो बैंक से अपने पैसे निकालो और जेब से अपने पैसे दे दो, इस फोन का अब मिनिमम इस्तेमाल करो, पैसे कोई रिचार्ज है बाहर से जाके करा लो, क्योंकि हम लोग इतने अवेयरनेस नहीं है, हमारे साथ हुआ है, दुख होता है इस बेचारी लेडीज को देख करके किस तरह मासूमियत दे, आप देख सकते हो, यानी जो खाते में पैसा है वो तो चला गया, एफडी भी चली गई और लोन भी करके चला गया, अब ना ही पुलिस इसकी मदद कर रही, ना ही बैंक कुछ कह रही, ना ही साइबर अब जाएगी, लेकिन आखिर क्या होगा, आप देख सकते हो कितनी दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है। आपको ये वीडियो मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि ये दसुआ का है, पंजाबी लड़का है, दसुआ उसकी वाइफ है, और पंजाब नेशनल बैंक का कहानी है, और रिपोर्टर्स भी बैंक मैनेजर भी क्या बोल रहा है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐप तो हमने ही बनाई है लेकिन इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तो जिम्मेदार फिर कौन है, उसका आखिर क्या कसूर है, क्या कसूर है? आरबीआई की जिम्मेदारी है या पीएनबी की? इसके 8 लाख रुपए, एक सैनिक को, एक सिपाही को 8 लाख रुपए मैनेज करना कैसे हो सकता है? 1 लाख की एफडी कराई हूँ, कितने साल लगे होंगे उसको 5-5, 2-2 हज़ार जोड़ने में, उसकी वाइफ ने कराई हूँ, बिल्कुल छोटा बच्चा है, समझ में नहीं आ रही, और वो बैंक में बैठे हों और बार बार भाग रही है, परेशान हो रही है, रो रही है, बिलख रही है, लेकिन आखिर कौन उसकी मदद करेगा? दोस्तों हमें ये सीख है और हमारे लिए समझ है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, धन्यवाद। वो कहते सानू तो पता नहीं है, ऑनलाइन ही होया जो कुछ होया, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे? नहीं कोई। की मांग करते हो तुसी? असि ये मांग करते हैं कि सानू जां ते कंप्लेन लिख के देन, साडे पैसे वापस आ, मेरे हस्बैंड उत्थे टेंशन विच है,
आर्मी च ने गंगा नगर ड्यूटी उन्हां दी ते 10:28 ते ही फोन आया सानू कि मेरे फोन ते ओटीपी आ रहे ने ते ओटीपी असी उस टाइम असी बैंक च आए हां ते बैंक वालिया ने चैक किया सी कि तुसीं चैक करो कि साडे अकाउंट च किन्ने पैसे रह गए केड़ा बैंक है पंजाब नैशनल बैंक हाजीपुर फिर उस तों बाद इन्हां ने सानू कहा कि तुसीं तुहाडे ये फ्रॉड हो गया ऑनलाइन ठगी हो गई है तुसीं इदां करो कि थाने विच रिपोर्ट करो थाने गए हां ते उन्होंने कहा कि साइबर सेल से करो ते ए कोई अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लैन दे लगदा कि बैंक दी भी रिस्पांसिबिलिटी हुंदी है पूरी पूरी बिल्कुल क्योंकि सेफ्टी बैंक च सेफ नहीं है डिपॉजिट ते किथे सेफ ने ते मांग करदे प्रशासन यही प्रशासन तो मांग करदे हां कि साडे पैसे सानू वापस कर जिन्ने भी हो सकदे जिन्नी भी जल्दी हो सकदे आ क्योंकि ब्रदर मेरे टेंशन विच ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਏ ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਮ ਇਨਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਇਨਕੇ ਖਾਤੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 5,80,000 रुपये का ऑनलाइन एक बैंक का प्रोडक्ट है प्री अप्रूव पर्सनल लोन का तो उसके लिए एलिजिबल थे वो किसी हैकर ने शायद बड़ी चालाकी के साथ उनका फ़ोन हैक किया होगा और जैसा कि उन्होंने बताया कि ओटीपी को उन्होंने शेयर नहीं किया किसी के साथ तो हैक करके इनके खाते से 5,80,000 का एक ऑनलाइन लोन पहले अप्रूव हुआ उसके बाद वो पैसा ट्रांसफ़र किया गया 4,00,000-2,00,000 अमाउंट उसके बाद एक इनकी FD थी 1,06,000 की ऑनलाइन उसको भी तोड़ के वो फंड भी ट्रांसफ़र कर दिया ये किसी हैकर के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है सर क्या जी लोन भी उठाया जा सकता उठा लेते हैं जैसे कि वो बता रहे हैं कि लोन भी ले लिया गया उन्हीं के हस्बैंड के नाम पे आज ही देखो एक हमारे बैंक का प्रोडक्ट है PAPL प्री अप्रूव पर्सनल लोन उसमें सैलरी के हिसाब से जिस बंदे का मंथली क्रेडिट आता रहता है तो उसके लिए ऑनलाइन एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए प्री अप्रूव पर्सनल लोन तो वो कोई शायद जानकार होगा इस मामले का तो उन्होंने लोन ऑनलाइन किया PAPL और साथ में ट्रांसफर किया अब इसके लिए क्या किया जा सकता है क्या इसमें एक तो हल ये है कि आप हम इनकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में करेंगे क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिटेल OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें आपके फ़ोन पे कोई लिंक वगैरह आता है तो उसको भी मतलब किसी अननोन जगह से अननोन बंदे से कोई लिंक आता है तो उसको क्लिक ना करें तो ऐसे बच सकते हैं आप मुझे।